अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं को इस कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार ने जानकारी दी है कि उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में आमंत्रित ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ जगह और है जहां उनकी आस्था है और वो वहां जाएंगे। उन्होंने बीजेपी पर राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही संजय राउत ने भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। तो क्या कुछ कहा संजय राउत ने आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रचार यंत्रणा जब लगाती है तब वो कोई कसर नहीं छोड़ती। पूरे देश से एक प्रचार की ये उनकी एक एक, एक रीत है। प्रचार कर जमकर सब कुछ हमने किया है, बाकी कोई नहीं। और पूरे देश की जनता को बेरोजगारी, महंगाई, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, ये भुलाने के लिए इस प्रकार के वो बातें करते आते हैं। राम मंदिर बन रहा है, बन गया है और उसको बड़ा बनाएंगे। आप बोल रहे हैं ये भेज रहे हैं, अरे शिवसेना ने भी खून दिया है ना। हमने भी वहां, शिवसेना ने, बालासाहेब ठाकरे थे, हजारों शिवसैनिक वहां कर सेवा कर रहे थे, तो हमारा भी खून पसीना उस मंदिर निर्माण में लगा। तो इनविटेशन को लेके बात हो रही है। अरे वो राजनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में कौन जाएगा? ये थोड़ी देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये बीजेपी एक अपना खुद का उत्सव और प्रचार या सभा रैली ये कर रही है, उसमें पवित्रता कहाँ है? तो सर आप लोग उसके बाद जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। बीजेपी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जाएंगे।